हेलो एवरीवन, आज स्पेशल कुकिंग में मैंने बनाया है मटन करी। देखिए ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी मटन करी बनकर तैयार हुई है, और इसको बनाने के लिए बहुत समय नहीं लगा है क्योंकि मैंने बनाया है कुकर में। तो चलिए ये देखते हैं इस रेसिपी को मैंने किस तरह से बनाया है। मटन करी बनाने के लिए हमने लिया है 1 kg बोनलेस मटन। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अपने हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल किए हैं कर सकते हैं, पर मुझे दही पसंद नहीं है इसलिए मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिला के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। हमने गैस पे कुकर रखा है और इसमें हमने डाला है लगभग 200 ग्राम तेल, और इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले। इसके लिए हमने ली है 1 बड़ी इलायची, 4 दालचीनी, 6 जीरा, 2 इलायची, जावित्री और 2 काली मिर्च, और साथ में हम लेंगे तेज पत्ता। बड़ी और छोटी इलायची को इस तरह से हम तोड़कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा और ये सभी खड़े गरम मसालों को। मसाले अच्छी तरह से क्रैकल हो गए हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम फिर इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और हमने ली है इसमें 1/2 kg प्याज। इसको हमने स्लाइस में काटा है और इसके लच्छों को हमने खोल लिया है। थोड़ा सा प्याज हम इसमें निकाल लेंगे, बस इतना ही। अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अब हम बाकी बचे सारे प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें मटन को ऐड कर देंगे। मटन को हमने डाल दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। हमने मटन और प्याज को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसको ढक कर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। हमने होममेड मसाला तैयार किया है। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 3 से 4 लाल मिर्च। इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जिससे कि हमारा प्याज और जल्दी से गल जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। हमने जो मसाला तैयार किया था ना, बस उसको भी हम इसी समय ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। देखिए मटन को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। मटन और प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल सेपरेट ना हो जाए। मटन अच्छी तरह से भून चुका है और तेल भी हमारा सेपरेट होने लगा है। अब हम इस समय ऐड करेंगे गरम मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ भी हम 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और इसका परफेक्ट टेक्सचर भी आ चुका है। और देखिए हमारी ग्रेवी परफेक्ट तैयार हुई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और 2 विशिल आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे। मैंने इतना ग्रेवी रखा है, आपको जितना पसंद हो उतना रख सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही झटपट तुरंत बनकर कुकर में तैयार हो जाता है। 2 विशिल आने तक हम इसको पकने देंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और हम इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। और देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे, देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। वाव, देखिए कितना अच्छा हमारा मटन करी बनकर तैयार हुआ है। देखिए हमारी परफेक्ट मटन करी बनकर तैयार हुई है, और इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा, ये तुरंत बनकर तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।